ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे। पहला ट्रेड आ रहा है आज का सस्ता ऑप्शन प्रशांत जी के सोचने से। प्रशांत क्या पिक कर रहे हैं आप? जी वीरू जी, आपने जो कहा वही बिल्कुल मुझे भी वो दिक्कत आ रही थी कि थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बट यहाँ पे LIC हाउसिंग फाइनेंस एक अच्छे ब्रेकआउट के लेवल पे लग रहा है। थोड़ा महीने की शुरुआत है तो ऑप्शंस के जो प्रीमियम है काफी इन्फ्लेटेड है, तो इसकी जो 640 की कॉल है जो अभी 17-18 पे काम करी, थोड़ा इसको कूल डाउन होने दीजिए, इसको 15 के नजदीक बाय कीजिए, आपको मिल जाएगी ये 15 के आसपास, और स्टॉप लॉस लगाएंगे 10 पे 10। टारगेट हमारा होगा 23 का टारगेट 1 और 28 का टारगेट 2, 23 और 28। LIC हाउसिंग फाइनेंस 640 का कॉल ऑप्शन 1780 पे आपको लेना है, स्ट्राइक है यहाँ पे 640 की। रचना जी आपका ट्रेड क्या रहेगा आज का फिनिक्स सुपरस्टार? जी मेरी तरफ से जो ट्रेड रहेगा, सीमेंट के सारे काउंटर्स ACC, अंबुजा, इंडिया सीमेंट सब में एक साथ मूवमेंट शुरू हुई है, तो हम ACC को चूज करेंगे। यहाँ पे फ्यूचर्स के हिसाब से 2630 के करीब प्राइस है। यहाँ पे अगर हम 2610 का SL सस्टेन कर पाए ऑन क्लोजिंग बेसिस, तो यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे हमें 2650 और 2675 के नंबर्स विद इन अ डे और टू दिखने चाहिए। ओके, 1250 1275 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं। 2650 और 2675 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे ACC में गोइंग फॉरवर्ड, तो तेज़ी वाला ट्रेड है। अच्छा, डीलर्स की तरफ से ACC पर ही एक अपडेट आ रहा है या फिर सीमेंट कंपनियों पर कि सीमेंट कंपनियों ने 80 रुपये प्रति बोरी के दाम घटाए हैं, ये डीलर्स से एक अपडेट आता हुआ ये फिलहाल एडेड इन्फॉर्मेशन आ रही है। मानस आपका चार्ट का चमत्कार? देखिए अर्चना जी, चार्ट के चमत्कार के लिए टाटा कंज्यूमर पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक करीब करीब 200 रुपए करेक्ट हुआ था, 100 डे मूविंग एवरेज पे बेस बना और आज पहला साइन देखने को मिला है रिवर्सल का। स्टॉक अब 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर करीब 40-50 रुपए का रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो टाटा कंज्यूमर में खरीदारी करिए, 1104 का स्टॉप लॉस लगाना है और 1180 के टारगेट सेट करने हैं, ये कैश लेवल्स हैं। अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना चाहे तो 1130 का कॉल ऑप्शन जो 32 रुपए पे ट्रेड हो रहा है वहां पर खरीदारी कर सकते हैं 21 रुपए के स्टॉप लॉस से 50 रुपए के टारगेट के। इक्कीस रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर 50 का टारगेट अगर आप 1130 वाला कॉल ले रहे हैं टाटा कंज्यूमर में, वरना सीधा 1180 का टारगेट रहेगा, तेजी करें। अच्छा, मैं अपने आप को करेक्ट करूंगी, गलती से मैंने घटाए बोला जब हम ACC मेंशन कर रहे थे। रचना का तेजी का कॉल है 2650 2675 का इन्होंने टारगेट दिया, बाय कॉल है और इस कॉल को सपोर्ट करने के लिए खबर आ रही डीलर से कि सीमेंट कंपनियों ने 80 रुपीज प्रति बोरी दाम बढ़ाए हैं। वो मुझसे गलती से फिसल गया कि घटाए हैं, लेकिन 80 रुपीज प्रति बोरी दामों में इजाफा किया गया है और आंध्र में करीब 30-40 रुपए प्रति बोरी के दामों में बढ़त देखने को मिली है, तो क्लियरली ये पास ऑन होता हुआ दिखाई देगा और उस लिहाज से सीमेंट का पूरा पैक आपके रेडार पर होना चाहिए। कुछ देर पहले मयूरेश भी मेंशन कर ही रहे थे कि रियल्टी कंपनियां ही नहीं, आप एंसिलरी स्टॉक्स भी देखिएगा। 2650 आपका पहला टारगेट तो आ ही रहा है, रचना जी 75 आप टारगेट रखें इस पे? जी 75 का टारगेट अब रखना पड़ेगा, पहला टारगेट कंप्लीट हो चुका और उसके बाद हम 2700 का तीसरा टारगेट बनाएंगे, SL को ट्रेन करते जाएंगे। ठीक है, तो इसको रिवाइज कीजिएगा 2675 और 2700 के टारगेट के लिए। रचना जी ACC के फ्यूचर्स पर एक व्यू दे रही हैं। मयूरेश आपका ट्रेड मिड कैप फंडा? तो आई थिंक वी आर रिवर्टिंग बैक टू द एंटायर ट्रैवल एंड होटल थीम, और हमें लगता है बहुत महीनों बाद एक होटल स्टॉक हम वापस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे रिसर्च में, जुनिपर होटल्स। तो दे आर पार्ट एंड पार्सल इन टर्म्स ऑफ दैट एंटायर हयात ग्रुप। तो आप अगर आप इनकी एक ब्रेकअप देखें तो जो उनकी सबसे प्रीमियम प्रॉपर्टी जो तो ग्रैंड हयात के नाम से जानी जाती है, 950 रूम्स हैं, 120 अपार्टमेंट्स है, जो उनकी मिड रेंज होती है मिड प्रीमियम वाली जो हयात रीजेंसी के नाम से जानी जाती है 710 रूम्स है, और जो अपस्केल है वहाँ पे 120 रूम्स है। द मोर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज दैट हाउ नंबर्स आर शेपिंग अप। तो जो Q2, Q1, Q2 और Q3 के जो आंकड़े हैं इन टर्म्स ऑफ एवरेज रूम रेंटल, यहाँ पे एक जबरदस्त इजाफा देखने मिला है। Q2 ऑब्वियसली थोड़ा एक म्यूटेड रहता है मानसून के वजह से, बट वहाँ पे जो एक ट्रांजिशन देखने मिला Q3 में, लगभग 11,000 के आसपास एवरेज रूम रेंटल आया है। 9 महीनों के आसपास अगर हम परफॉर्मेंस देखें कंसोलिडेटेड बेसिस के ऊपर, तो रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम हैज कम क्लोज टू 7,300 रुपीज। ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 75% के आसपास पहुंच चुकी है, बहुत ज्यादा डेट बुक्स पे है नहीं, और एक्सपेक्टेशन जब हम बांध के चलते हैं इन टर्म्स ऑफ द हॉलीडे सीजन, द बेस्ट सीजन विल नाउ कम इन क्वार्टर 1, तो कहीं ना कहीं आई थिंक ARRs अलॉन्ग विद ऑक्यूपेंसी एक लेवरेज देंगे
नंबर्स के ऊपर एक बहुत कैलिब्रेटेड वे में रूम इंक्रीजेस हो रही है और इसलिए बहुत ज्यादा डेट बुक्स पे बढ़ेगी नहीं, विच विल कीप फाइनेंस कॉस्ट अंडर कंट्रोल. एक थोड़ा सप्लाई रिलेटेड इशू है क्योंकि थोड़े जो ईसॉप्स के लॉक इन है ये शायद रिलीज हो रहे हैं, इसलिए भाव थोड़ा एक कंसोलिडेटेड रेंज में रहे, बट मुझे लगता है यहाँ से एनी डिक्लाइन कैन बी टेकन एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी. हम एक 22-25% की अपसाइड दिख रहे हैं अगले 6 महीने से 1 वर्ष में विद अ स्टॉप लॉस प्लेस्ड एट 475. क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक मेरी पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, रिसर्च नोट द्वारा क्लाइंट के पास दिया गया, क्लाइंट के पास इसकी होल्डिंग. तो जूनिपर होटल्स हमें एक अपॉर्चुनिटी आप